दोस्तों, इस साल की शुरुआत में मॉस्को की सड़कों पर भारी मात्रा में प्रोटेस्ट देखने को मिले। बात है 30 जनवरी 2021 की। 70 से भी ज्यादा रशियन सिटीज में टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से भी कम था, यानी वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लेकिन इसके बावजूद मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक रशियन लोग हजारों की तादाद में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी वजह क्या थी। तो ऐसा उन्होंने किया एलेक्सी नवाल्नी नाम के एक इंसान के कहने पर। असल में हुआ ये कि एलेक्सी नवाल्नी 17 जनवरी 2021 को बर्लिन से वापस रशिया आए, लेकिन जैसे ही उनका प्लेन रशिया में लैंड किया तभी उनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन फ्लाइट लैंड करने से कुछ ही देर पहले उन्होंने अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिसमें वो अपने सपोर्टर से पुतिन के खिलाफ सड़कों पर आने की गुहार लगा रहे थे। नवाल्नी के इम्प्रिजनमेंट और रशिया में बढ़ते करप्शन, सोशल इनजस्टिस और पॉलिटिकल करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये लोग भारी मात्रा में सड़कों पर उतरे, लेकिन इन प्रोटेस्ट को बुरी तरह से क्रश कर दिया गया। जी हाँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि रशिया के सबसे पावरफुल मैन इन प्रोटेस्ट से घबरा गए हैं? क्या उन्हें ये चीज रियलाइज हो चुकी है कि रशियन जार्स की सदियों से चली आ रही डिक्टेटरशिप को भी इन्हीं प्रोटेस्टर्स ने खत्म किया था? खैर वो जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि जैसे रशियन हिस्ट्री में पहले जार्स और फिर दुनिया के एक सबसे खतरनाक डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन अपने ओपोनेंट्स के नामों निशान मिटा दिया करते थे, आज 21वीं शताब्दी में पुतिन भी उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पुतिन की इन्हीं डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उसको शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं पुतिन की लाइफ जर्नी पर। आइए देखते हैं कि कैसे पुतिन लेनिनग्राड के एक पुअर टफ किट से एक केजीबी स्पाई और केजीबी स्पाई से 21st सेंचुरी के मॉडर्न रशिया की पहचान। दोस्तों, पुतिन का जन्म फॉर्मर यूएसएसआर के लेनिनग्राड शहर में 1952 में हुआ। लेनिनग्राड उस समय प्रेजेंट डे सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता था। उनके फादर सोवियत नेवी में काम करते थे और उनकी मदर एक फैक्ट्री वर्कर थी। उनका चाइल्डहुड काफी ज्यादा टफ था। उन्होंने अपना बचपन एक्सट्रीम पॉवर्टी में बिताया। अपने स्कूल में भी वो सबसे एग्रेसिव चाइल्ड थे, लेकिन वो बचपन से ही केजीबी के सीक्रेट एजेंट बनना चाहते थे। यहां तक कि वो बचपन में ही केजीबी के एक लोकल ब्रांच पर पहुंच गए और वहां मौजूद ऑफिसर से कहा कि उनको भी एक केजीबी एजेंट बनना है। तब उन्होंने उसको बोला कि इसके लिए वो या तो आर्मी में जाएं या फिर लॉ की स्टडी करें। बस फिर क्या था, तभी से पुतिन ने एक डिसिप्लिन वे में लॉ की पढ़ाई शुरू की। लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने लॉ की डिग्री ली। 1975 में उन्होंने फाइनली केजीबी ज्वाइन किया और अगले 17 सालों तक उन्होंने केजीबी का मिड लेवल एजेंट बनकर काम किया। केजीबी का एजेंट बनने के बाद स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन के टर्म्स में उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जब वो केजीबी एजेंट के तौर पर ईस्ट जर्मनी में काम कर रहे थे, उस समय उनको कोल्ड वॉर के एंड और कम्युनिज्म के विघटन का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला। 1990s में सोवियत रशिया कोलैप्स हुआ और उसके चलते 15 नई कंट्रीज ने जन्म लिया। प्रेजेंट डे रशिया भी उनमें से एक था। पुतिन ने इसको उस सदी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर कहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उस कैटेस्ट्रोफ को कुछ ही लोग समझ सकते हैं जिनको 1990s में सोवियत रशिया को झेलना पड़ा। खैर, सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने पुतिन का वर्ल्ड व्यू और उनके एम्बिशंस को बदल कर रख दिया और अब उन्होंने अपना फोकस पॉलिटिक्स पर शिफ्ट किया। उस समय रशिया सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। बोरिस येल्सिन रशियन फेडरेशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और वेस्ट के साथ बढ़ते कोऑपरेशन की वजह से उनका रूल हाईली अनपॉपुलर हो रहा था और इसी समय पुतिन केजीबी छोड़कर पॉलिटिक्स में एंटर हुए। जल्द ही रशियन के ओलिगार्क्स के बीच उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और इसी के चलते 1999 में उन्हें एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब बोरिस येल्सिन ने उनको अपने सक्सेसर के रूप में नियुक्त किया और इसी के साथ शुरुआत हुई पुतिन के पॉलिटिकल करियर की। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। पुतिन ने कभी वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पुतिन ने रशिया को एक बहुत बुरी हालत में इनहेरिट किया, तो पुतिन का बस अब एक ही एम था और वो ये था कि एक स्ट्रांग रशिया का निर्माण, एक ऐसा रशिया जो डोमेस्टिकली स्टेबल होने के साथ साथ एक ग्लोबल पावर भी हो। अपने शुरुआती दिनों में पुतिन ने चेचन्या वॉर और देश की क्रम्बलिंग इकोनॉमी को काफी अच्छे से संभाला, जिसके चलते उनको एक रिफॉर्मर की तरह सराहा गया।
पुतिन की डोमेस्टिक रेटिंग्स बढ़ती गई। बस इस बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने अब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर रशियन पावर पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। 2000 से 2008 तक उन्होंने अपने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स पूरे किए। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वहां का प्रेसिडेंट एक साथ दो टर्म्स से ज्यादा रूल नहीं कर सकता है, इसलिए 2008 में उन्होंने प्रेसिडेंट की पोजीशन से ब्रेक लिया और अपने एक लॉयलिस्ट दिमित्री मेडवेडेव को प्रेसिडेंट बना लिया। 2012 में उसने फिर पुतिन को वापस सत्ता सौंप दी। अपने टेन्योर के पहले दशक में एक रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते उनकी रेजिम को सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन जब दूसरा दशक आते आते ये ग्रोथ फेड होने लगी, उस समय एंटी अमेरिकनिज्म और नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा का यूज किया गया। 2014 में क्राइमिया का एनेक्सेशन और फिर यूक्रेन के साथ वॉर जनता को एंगेज रखने का काम करता रहा। खैर, आज पुतिन की प्रेसिडेंसी को 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। जी हाँ, 20 साल। स्टालिन के बाद किसी ने अगर इतने लंबे समय तक रशिया पर राज किया है तो वो है पुतिन। इस दौरान उन्होंने पोस्ट सोवियत रशिया जैसे एक वीक और क्रम्बलिंग स्टेट को एक ग्लोबल सुपर पावर के दर्जे तक तो पहुंचाया, लेकिन अपनी पावर को कंटिन्यू करने के लालच में उन्होंने रशिया के पॉलिटिकल सिस्टम को इतना करप्ट और कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि आज रशिया को एक डेमोक्रेसी कहना फार फ्रॉम इम्पॉसिबल है। अपने ऑपोजिशन को क्रश करना, कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्टोरल आउटकम्स को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करना, मास करप्शन और ओलिगार्की कैपिटलिज्म को सपोर्ट करना पुतिन की रेजिम के कुछ की फीचर्स बन चुके हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को देखें तो रशिया की हालत आज बहुत बुरी है। फ्रॉम टी शर्ट्स टू मग्स टू कैलेंडर्स, आज पुतिन रशियंस की डे टू डे लाइफ में भी हर जगह मौजूद हैं। पुतिन रशिया को एक कंसेंशुअल ऑटोक्रेसी से डिक्टेटोरियल स्टेट की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो रिप्रेशन और फियर पर बेस्ड है। इसी के चलते पुतिन को आज रशियन जार और स्टालिन जैसे क्रूर डिक्टेटर्स के साथ कंपेयर किया जाने लगा है। अब ये कंपैरिजन कितना सही है और कितना गलत, वो हम समझेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। ओविड इन्फो, जो कि एक ह्यूमन राइट्स मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो रशिया में हो रहे पॉलिटिकल रिप्रेशन को मॉनिटर करती है और उसके विक्टिम्स को लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उससे जुड़े मिस्टर ग्रेगरी ओकुटिन का कहना है कि ऑपोजिशन के साथ डील करने के लिए उसे की जाने वाली गवर्नमेंट टैक्टिक्स में आज एक क्लियर शिफ्ट नजर आ रहा है। एक समय था जब पुतिन अपने पॉलिटिकल थ्रेट्स को कंटेन करने की कोशिश करते थे, लेकिन आज वो उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। आज पुतिन की डिक्टेटरशिप के अंडर किसी ऑपोजिशन लीडर का इलेक्शन लड़ना तो दूर, बल्कि उसका जिंदा रहना भी नामुमकिन होता जा रहा है। जी हाँ, वीडियो की शुरुआत में जिस एलेक्सी नवलनी की हमने बात की, वो आज रशिया में एक सबसे बड़े ऑपोजिशन फिगर की तरह उभर कर आए। 1999 से जब उन्होंने रशियन पॉलिटिक्स में कदम रखा, तभी से उन्होंने रशियन ओलिगार्क्स को एक्सपोज करने की कोशिश की। 2010 से लेकर 2020 तक उन्होंने कई एंटी पुतिन और प्रो डेमोक्रेसी रैलीज निकाली, जिसके चलते उन्होंने पुतिन गवर्नमेंट के कई बड़े करप्शन स्कैंडल्स और इलेक्शन में हुए फ्रॉड्स को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर कई जानलेवा हमले भी किए गए। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी कहिए कि वो हर बार इन हमलों से बच निकलते हैं। अगस्त 2020 में उनको फिर से पॉइजन देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन जर्मनी के हॉस्पिटल में उनको टाइमली ट्रीटमेंट मिला और वो इस बार भी बच गए। वो चाहते थे जर्मनी में सेफ रहकर पुतिन को वहीं से एक्सपोज कर सकते थे, लेकिन अपनी जान की बाजी लगाकर वो एक बार फिर रशिया वापस आए और एक बार फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों उनके सपोर्ट में लोग बिना किसी डर के सड़कों पर उतरे। इतना ही नहीं, हाल ही में नवलनी के पॉलिटिकल नेटवर्क एंटी करप्शन फाउंडेशन को एक एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स की लिस्ट में शामिल कर दिया गया और उनसे जुड़े सभी लोगों को या तो अरेस्ट कर लिया गया या फिर रशिया से बाहर निकाल दिया गया। और तो और, एलेक्सी नवलनी उनके पहले शिकार नहीं है। उनसे पहले भी पुतिन के कई अपोनेंट्स को मौत के घाट उतारा जा चुका है। तो जो भी पुतिन के सत्ता के रास्ते में आता है वो मारा जाता है। 2021 के स्टेट ड्यूमा इलेक्शंस में कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से रन करने के लिए कुछ ओपोनेंट लीडर्स को टिकट तो मिला, लेकिन वो इलेक्शंस पूरी तरह से पुतिन के कंट्रोल में थे और इनमें भी एज एक्सपेक्टेड पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी के साथ जीत गई। और ये तो आप जानते हैं कि इतनी मेजोरिटी के साथ वो आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये पहली बार नहीं था जब पुतिन ने अपने फायदे के लिए रशियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है। आपने खबर सुनी ही होगी कि कैसे 2020 में पुतिन ने एक रेफरेंडम पास किया, जिसके चलते अब वो नेक्स्ट 16 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं। 2024 में फिर से रशिया में इलेक्शंस होने वाले हैं और इस बार पुतिन अपने डिसिडेंट्स को दबाने के लिए डोमेस्टिक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर स्पेंडिंग भी बढ़ा रहे हैं।
2020 में उन्होंने रशिया का 1/10 बजट डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए एलोकेट किया। वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स के अकॉर्डिंग रशियन गवर्नमेंट का उसके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्फ्लुएंस आज किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। अगर जनवरी के प्रोटेस्ट की ही बात करें तो उसमें 10,000 से भी ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया और लगभग 80 क्रिमिनल केसेस लॉन्च किए गए। 200 से भी ज्यादा जर्नलिस्ट को हैरेस किया गया और न जाने कितनों के साथ खुलेआम वायलेंस की गई। एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस लिवादा सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज रशिया लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, नेचुरल डिजास्टर के बजाय स्टेट रिप्रेशन का डर ज्यादा है। तो अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि रशिया में आज रूल ऑफ लॉ का नहीं बल्कि लॉ ऑफ रूलर का राज है। अब बात करें मीडिया की तो ये हम जानते हैं कि किस तरह पुतिन ने अपने शुरुआती दौर में टेलीविजन के थ्रू ही पॉपुलैरिटी गेन की और धीरे धीरे उसको मोनोपोलाइज करके अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन स्मार्टफोन और इंटरनेट के राइज के साथ ये सिचुएशन बदलने लगी। लिबरल मिशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से रशियन पॉपुलेशन के ओवरऑल मीडिया कंजम्पशन में टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर का शेयर 70% से घटकर 45% तक श्रिंक हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट और ऑनलाइन मीडिया सोर्सेज का कंजम्पशन 18% से लेकर 45% तक बढ़ गया है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसी दौरान पुतिन की ट्रस्ट रेटिंग्स 60% से 30% तक घट गई हैं। तो जाहिर है कि इंटरनेट एक्सेस के चलते रशिया में एंटी पुतिन सेंटीमेंट्स बढ़ते गए। बस फिर क्या था, पुतिन ने अपने सेफ्टी के लिए अब इंटरनेट, ऑनलाइन मीडिया सोर्सेज और फ्री स्पीच पर क्रैकडाउन भी करना शुरू किया। एक एग्जाम्पल देखें तो 2019 में पुतिन ने एक सोवर्न इंटरनेट लॉ पास किया। इसमें साफ साफ ये कहा गया कि देश के हर एक इंटरनेट प्रोवाइडर को अपने सिस्टम में एक ऐसा स्पेशल इक्विपमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा जो स्टेट को उनके कंटेंट को ब्लॉक, फिल्टर या स्लो डाउन करने का एक्सेस दे सके। इतना ही नहीं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस और इन्फ्लुएंसर्स को फॉरेन एजेंट्स कहकर उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना आज वहां एक आम बात हो गई है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि पुतिन कैसे स्टालिन और बाकी डिक्टेटर्स की तरह ही अपने डिसेंटर्स को क्रश कर रहे हैं और रशिया की पावर पॉलिटिक्स में अपनी पोजीशन लाइफ टाइम के लिए सिक्योर कर रहे हैं और उसके लिए हर ऑपरेसिव तरीका अपना रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, पुतिन को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अपने विरोधियों को दबाकर वो खुद अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया में तानाशाहों ने सत्ता की लालसा में लोगों का दमन किया है, तब तब लोगों ने किसी न किसी प्रकार से खुद की आवाजों को बुलंद भी किया है। सार से लेकर हिटलर तक और गद्दाफी से लेकर सद्दाम तक, इतिहास ने तानाशाहों की किस्मत ऑलरेडी लिख डाली है। फ्रीडम हर समाज में सेफ्टी वॉल्व की तरह होती है जो समाज के फैब्रिक को बचाने का काम करती है। लेकिन अगर इस सेफ्टी वॉल्व को हटा दिया गया तो ये दुनिया को किस खतरनाक दिशा में ले जाएगा, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। दोस्तों, ये थी कहानी पुतिन की और कैसे वो रशिया में अपने डिसेंट को क्रश कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।